Hello my long students assalamu alaikum i'm your english tutor i welcome you all on our online batch Ukab 1.0 which is completely free dear students sky class foundation is completely free for all the foundation class 8th 9th and 10th class dear students if you really want to make your foundation strong, then don't forget to watch all of our videos on our channel, sky classes foundation. now, dear students, let's come to the point. as we discussed some of the pros of class 10th, and today we are going to discuss one more pros of class 10th. the name of the prose is papachi's moth, and it's written by india's famous novelist, arundhati roy. now, dear students, फोर वी गो ऑन लेट्स डिस्कस द टाइटल ऑफ दिस प्रोज पापा किसको कहते हैं बेटा अगर आपको पता होगा इंग्लिश वर्ड ये पापा जो यहां पर दिया गया है पापा इंग्लिश वर्ड है एंड चढ़ाया गया है इसको पापाची पापाची बना एक इंडियन वर्ड ये पापाची क्यों बताया जाता है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है बेटा अगर आपको पता होगा कि वेन इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल उस टाइम पे ऐसे वर्ड्स रखते थे जो इजिली अंडरस्टैंड होते थे किनको ब्रिटिशर्स को जो इजिली और उसी टाइम पे ये पापाची जो वर्ड है हमारा पापाची वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है दिस पापाची हैज बीन यूज फॉर किसके लिए फॉर ग्रैंड फादर ये ग्रैंड फादर के लिए इस्तेमाल किया गया है एंड वो बेटा इंसेक्ट का नाम होता है यहां पे आप देख सकते हो नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ पिक्चर है हमारे मौत की जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये मौत है और किसका मौत है पापाची इज मौत नाव वी विल गो ऑन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मौत एंड पापाची पापाची और मौत का क्या रिश्ता है और क्या स्टोरी है or sabse pehle beta before we go on you must remember here that this papachi smoth इज़ टेकन फ्राम द वर्ल्ड फेमस नावल ऑफ अरंदोती रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से ये एक एक्स्ट्रैक्ट निकाला गया है पापाची इज मौत उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको ये जो ये तितली नजर आते हैं ना दिस इज एन इंसेक्ट जिसको हम मौत भी कहते हैं और ये एक रिलेटेड स्टोरी एक मज़ेदार स्टोरी है इस पापा जी की अर क्या इसका रिलेशन है और क्या असर रहता है इस मौत का पापा जी की लाइफ के लाइफ में और ये पापा जी कौन है पापा ची हम यहाँ पे एक ग्रैंड फादर को कहते हैं सही है बेटा समझ आया सारा एंड मॉथ इज एन इंसेक्ट ये एक इंसेक्ट है एक कीड़ा है सही है नाउ विल गो ऑन विद इंट्रोडक्शन ऑफ अरंधति रॉय सबसे पहले हम अरंधति रॉय के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कह रहे हैं कि सुजाना अरंधती रॉय बॉर्न ऑन ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेंबर नाइनटीन सिक्सटी वन इज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश और साथ में क्या बताया जाता है कि जो अरनद्योती रॉय थी कब पैदा हुई थी 24th of ऑफ नवंबर में सिक्सटी पे इंडिया में ही एक इंडियन राइटर है जो इंग्लिश में लिखती है एंड एक्टिविस्ट और साथ में एक एक्टिविस्ट भी है क्या बताया जाता है बुक Booker प्राइज award in 1997 for her नॉवल और जो उसकी नॉवल कौन सी है द गॉड ऑफ थिंग्स अभी जो मैंने बोला बेटा आपको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है उसके लिए उसको बुकर प्राइज का अवार्ड मिला है कब 1997, 1997 में इसकी किताब जो है कौन सी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स god of small things जो बेटा है ना उस किताब के लिए उसको क्या मिला है बुकर प्राइस अवार्ड मिला है बुकर प्राइस और ये लिटरेचर में एक सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता है दैट्स कॉल्ड बुकर प्राइस और ये बुकर प्राइस उसको 1997 में हासिल हुआ है और उसके बाद क्या बताया जाता है एंड इन टू थाउजेंड द लैंड एंड कल्चरल फ्रीडम प्राइज और 2002 में एक और कल्चरल फ्रीडम प्राइज भी उसको हासिल हुई है शी इज ऑल्सो ए राइटर ऑफ टू स्क्रीन प्लेज और भी स्क्रीन प्लेज दो लिखे हैं उसने एंड नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ एसेज और बहुत सारे एसेज भी पब्लिश किए रॉय इज़ ए वेल नोन एक्टिविस्ट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस और अगर बताया जाएगा जो अरंधत्ती रॉय है ना बेटा अरंधत्ती रॉय की न कि सिर्फ एक ये किताब है जो एक नावल है जो इसने लिखी है नहीं देर आर सो मैनी नावल्स विच आर रीसेंटली पब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैपीनेस एक मशहूर बुक है उसकी या द आज़ादी रिसेंटली पब्लिश बुक जो अरंदती रॉय की है आज़ादी ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्कस है किसके अरंधति रॉय की एक और न, आ, एक एक्टिविस्ट भी है साथ में और बहुत बड़ी क्रिटिक भी है तो मानना है आपको और आज हम इसी अरंदती रॉय की एक नोवेल द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स का एक एक्सट्रैक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पापा चीज मॉथ एंड विच ऑल अबाउट द ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस द स्टोरी चलिए अब हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं

एक फ्रेटरनल ट्विन दो जुड़िया जुड़वा भाई बहन होते हैं उनकी स्टोरी है जो क्या बनते हैं वो बिकेम द विक्टम्स विक्टम माने शिकार बनते हैं किस चीज का सिचुएशंस का सरकमस्टेंस माने सिचुएशंस के हालात के ये बेचारे शिकार बन जाते हैं हालात के ये शिकार बनते हैं हालात के शिकार ये बनते हैं तो फिर क्या बताया जाता इट्स एस आई गॉट इट फिर क्या कहेंगे द बुक इज़ अबाउट द स्मॉल थिंग्स बिल्ड ऑफ बिहेवियर एंड एफेक्ट लाइव ऑफ़ पीपल कहकर इस किताब में बताया जाता है क्यों नाम दिया गया इसको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से एक इंसान की जिंदगी बन जाती है और छोटे छोटी जिंदगी एक इंसान की जिंदगी में असर डालते हैं फिर क्या बताया जाता है द बुक वन बुक ए प्राइज इन नाइनटी नाइनटीन नाइनटी सेवन ऑलरेडी डिस्कस नाइनटीन नाइन्टी सेवन में इसको बुकर प्राइज मिलता है इट वॉज ए क्लेम अ मास्टर पीस विच इंस्टेंटली बिकेम ए बेस्ट सेलर और माना जाता है कि ये अरंद्वती राय की एक बेस्ट सेलर है और ये साथ में क्या बनी है एक मशहूर किताब बनी है रॉयल रिसीव हाफ ए मिलियन पाउंड एडवांस एंड राइट्स टू द बुक वर सोल्ड इन ट्वेंटीज एंडट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बेटा क्या बताया जाता है इस नावल uh, को uh, लिखने के लिए पब्लिश करने से पहले ही उसको हाफ ए मिलियन पाउंड्स एडवांस में मिले हैं और 21 कंट्रीज में उसको भेजा गया था इतनी ये मशहूर ये नोवेल उसकी है द स्टोरी प्राइमरली टेक्स प्लेस इन अ टाउन नेमिड आयामिनम याद रखिए बेटा आयामिनम एक टाउन है क्या है आयामिनम आयामिनम कह रहे हैं कि ये एक आयामिनम एक एरिया की कहानी है नाउ पार्ट ऑफ कोटायम इन केरला अब ये आया मीनम केरला का पार्ट बन गया है अब ये केरला के हिस्से में आते हैं किस हिस्से में केरला स्टेट एक केरला स्टेट है इंडिया की वहाँ पे ये पड़ती है ये जगह द टेम्पोर से बैक एंड फोर्थ फ्रॉम नाइनटीन when rahil and राहल a set of fraternal twins are seven years old

जिनकी ये स्टोरी है और फिर क्या किया जाता है उसके बाद इन दो का नाम क्या होता है राहिल एंड एस्था और फिर क्या हो जाता है फिर ये हमें फिर ये री हो जाते हैं एट द एज ऑफ थर्टी वन और ये कौन सा टाइम होता है दे, दे थर्टी वन में हो जाते हैं फिर क्या बताया जाता है मच ऑफ द स्टोरी इज रिटन इन व्यू पॉइंट व्यू पॉइंट टू द सेवन ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन malayalam words were liberally used in conjunction with the english permanent f facets of kerala life that the novel captures the communism, the caste system, and the keralite syrian christian way of life. christian. है और उसका बाप बंगाली है तो क्या बताया जाता है कह रहे कि इसमें हमें बहुत सारे मलयालम वर्ड्स का भी इस्तेमाल हुआ है और बहुत सारे चीज़ों को ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे चाहे कम्युनिज्म हो कास्ट सिस्टम हो या केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ जो है इन सब को ये डिस्कस करती है चलिए आगे फिर देखते हैं द लेसन इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये किससे निकाला गया इस नॉवल से निकाला गया याद रखना बेटा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से इसको निकाला गया है श्री बिनियॉन जॉन एपी रेफर टू तो एज पापाची इस पापाची जो है विच मीन इस ग्रैंड फादर इस ग्रैंड फादर का असली नाम क्या है पूरा नाम क्या है श्री बिनॉन जॉन एपी जिसको क्या नाम किस नाम से पुकारते हैं पापाची के नाम से जिसका मतलब होता है ग्रैंड फादर एंड एम्पीरियल एंट्रोमोलॉजिट ये एक एम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी इंसेक्ट्स को करते हैं उसको एंट्रोमोलॉजिस्ट कहते हैं एंड बराबर अपने रिटायर तक फादर एमू एंड चाकू और उसके ये किनका फादर होता है दो बच्चों का एमू एंड चाकू का विद हिज वाइफ शोशिमा और उसकी वाइफ होती है सोशिमा इपी रेफर्ड एज टू मामाची और उसको किस नाम से हम जानेंगे स्टोरी में मामाची के नाम से मामाची मीन्स ग्रैंड मदर मामाची का मतलब है ग्रैंड मदर याद रखना बेटा ठीक है तो इसका मतलब है ग्रैंड मदर विच मीन्स ग्रैंड मदर पापाची हैज़ बीन बिटर सिंस हिस डिस्कवरी ऑफ ए फ्यू स्पीशीज ऑफ मॉथ वॉज डिसमिस एंड देन क्रेडिट टू सामन एल्स कह रहे हैं कि नाउ वी कैन कम टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन द मॉथ एंड द ग्रैंड फादर क्या बताया जाता है जो पापाची थे ना ये थोड़े से बिटर हो गए थे उसके मूड में थोड़ा सा वो बाउट्स आ गया है ये थोड़ा सा वो कड़वा टाइप बन गया था जब उसने एक मौत को डिस्कवर किया लेकिन उसके बाद वो डिसमिस किया गया और उसका क्रेडिट किसी और को दिया आ गया ए परफेक्ट हस्बैंड एंड अ फादर फैमिली स्पेशली मामा जी कह रहे हैं कि वो एक अच्छा हस्बैंड होने आ, से इसको आ, कोई एक चीज क्या करता है इड करता है दैट इज कि वो ची के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करता है जो उसको क्या करता है हाइड करता है टू बी टू बी कॉल्ड एज ए बेस्ट फादर वन नाइट वाइल ची इज बीटिंग एक नाइट क्या हुआ कि जब ये ची अपनी वाइफ को मार रहा था दैट मीन्स मामाची को जब वो मार रहा था मामाची याद रखिये मामाची क्या रहे कि जब वो एक uh, रात थी जब वो क्या कर रहा था मामाची को मार रहा था फिर क्या हुआ चाकू एमूज ब्रदर चाकू कौन है एमू मतलब, का ब्रदर मतलब दादाजी का बेटा रोडियो स्कॉलर वो एक बड़ा स्कॉलर था रोडियो स्कॉलर था फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से वो आया था him, वो अपने बाप को रोकता है एंड टेल्स और उसके बाद इसको क्या बता देता है कि इस काम को दोबारा कभी ना करो फ्रॉम देन और उस टाइम से टिल हिस्स अपने बराबर मौत तक वो क्या करता है पापाची नेट्स और स्पीक्स टू मामाची अगेन फिर वो मामाची के साथ जिंदगी में कभी भी बात नहीं करता है ना कभी उसको मारता है और इस लेन में हम बहुत सारे ऐसे चीजों को पढ़ेंगे जो रेज हुए हैं अबाउटीज हमारी सोसाइटी के बारे में बता देता है कि किस तरह मेल डोमिनंस है किस तरह वो ओवर डोमिनेट हो जाते हैं फीमेल फॉक पे और ये चीज भी हमें इन, इन इशूज को भी वो क्या करते हैं uh, हमारे सोसाइटी के बारे में बता देते हैं यहाँ तक बेटा समझ आया है चलिए आगे अब हम देखते हैं नाउ लेट्स डिस्कस एन एंड फ्रॉम हिवर स्टार स्टोरी स्टार्ट और यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है गोट इन योर स्टूडेंट्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी को पढ़ते हैं दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ अवर स्टोरी क्या कह रहे हैं मामाचीड स्टार्टेड मेकिंग पीकल कमर्शली सोन आफ्टर पापाची रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस इन दहली एंड केम टू लिव इन एम इनम क्या बता रहे हैं जो मामाची है उन्होंने पीकल बनाने का काम स्टार्ट किया आचार बनाने का काम स्टार्ट किया है और कब जब पापाजी रिटायर हुए गवर्नमेंट सर्विस से और वो दहली में रह रहे थे अब वो कहां आए थे रिटायरमेंट के बाद वो इस जगह पे रहने के लिए आए हैं जिसका नाम क्या है आयामीनम इस आयामीनम जगह पर रहने के लिए आए हैं द कोटायम बाइबल सोसाइटी वॉज हैविंग ए फर एंड आस्कड मामाची टू मेक सम फेमस बनाना जैम एंड ट मैगो पीकल और जो ये वहाँ की एक बाइबल सोसाइटी थी जिसका नाम क्या था कोटायम बाइबल सोसाइटी उनका एक त्यौहार था एक फेयर था एक मेला था जिसमें उन्होंने मामाची को बताया कि आप हमारे लिए एक फेमस बनाना का जैम बनाए और साथ में इन एक man आचार भी हमारे लिए बनाए इट्स बिक गया था एंड ची फाउंड दैट शी और अब क्या किया ची ने देखा कि उसको बहुत ज्यादा ऑर्डर जितना वो डील कर पाती है जितने वो कर पाते हैं उनसे भी ज्यादा उसको अब ऑर्डर आने लगे

एग्नोमनी ऑफ रिटायरमेंट क्या बता रहे हैं अगर, बरा, अगर पापा की बात करेंगे ना उसको बहुत ज्यादा ट्रबल हो रही थी किस बात से एग्नोमनी ऑफ द रिमेंट एग्नोमेंट से क्योंकि जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, है। क्या इस बात से उसको बड़ी शेम हो जाती थी ही मामाची क्योंकि वो सेवनटीन ईयर्स ओल्डर थे किससे सेवनटीन ईयर्स ओल्डर फ्रॉम मामाची मामाची से ये सेवनटीन ईयर्स बूढ़े थे एंड रियलाइजड विद शौक डैट ही वॉज एन ओल्ड मैन फिर उसको बड़े शौक से उसने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि वो अब एक बुढ़ा आदमी है वाई हिज वाइफ वॉज स्टिल इन प्राइम लेकिन उसकी वाइफ जो थी ना वो अभी भी क्या थी अपनी प्राइम में थे प्राइम यानी यंग वो अभी भी जवान थी यूथ थी अभी भी वो दिख रही थी अभी भी जवान लेकिन जो पापा जी था पापा जी बुढ़ा हो चुका था और कितने साल के थे सेवनटीन ईयर्स ओल्ड थे सेवनटीन ईयर्स ओल्डर देन मामाची ग्रैंड मदर से वो कितना था सेवनटीन ईयर्स ओल्ड तो इसीलिए ये बूढ़ा लग रहा था और मामाची अभी भी जवान थी डियर स्टूडेंट्स यहां तक कंफ्यूजन तो कोई नहीं चलिए आगे देखते हैं हाँ जी उसके बाद दो मामाची हैड कॉनिकल कॉर्नियाज एंड वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड कह रहे क्या अगरची के मामाची को क्या थी कॉर्निकल कॉर्नियाज uh, थी आई साइट में प्रॉब्लम थी उसको इन कॉनिकल uh, थी मतलब द प्रॉब्लम इन द आईज उसको आंखों में प्रॉब्लम थी

पिकल मेकिंग में क्यों क्योंकि वो इसको कॉन्सिडर करता था किस पिकल मेकिंग को वो एक सूटेबल जॉब कॉन्सिडर नहीं करता था किस लिए एक हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए क्योंकि वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल था एंटोमोलॉजिस्ट था उसके बाद डायरेक्टर बना तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए ये शोभा नहीं देता था तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसीलिए वो मदद नहीं करता था क्योंकि वो एक हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल था तो इसीलिए वो कॉन्सिडर इसको एक सूटेबल जॉब नहीं करता था अपने लिए हैड ऑलवेज बीन ए जेल्स मैन और वो हमेशा कैसा था एक जेरस टाइप ऑफ मैन था मतलब एक खुद टाइप बंदा था सो ही ग्रेटली रिजेंटड द अटेंशन ऑफ हिज वाइफ वाज सडनली गेटिंग और वो बहुत ज़्यादा रिजेंट फील करता था रिजेंट का मतलब बिटरनेस फील करता था जब उस जो जब वो क्या देखता था हिज वाइफ वाज गेटिंग सडनली जो उसकी वाइफ अटेंशन हासिल हो जाती थी उसकी वजह से वो बड़ा ही बिटरनेस फील करता था ही स्लॉसड अराउंड द कंपाउंड इन द एमली टेलर्ड सूट waving sullen circles round the mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric watching mamachi supervise the buying the weighing the salting and drying of limes and the tender mangoes kabata wo budi to mooh. इन ए लेन ले वे में मूव करना और वो इसी कंपाउंड के इर्द गिर्द घूमता रहता था और उसके बाद क्या करता था मगर बड़े ही परफेक्ट एंड नीट एंड क्लीन ड्रेस में क्योंकि एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर था बड़ा रैंकड ऑफिसर था मगर उसका आदत पहले से ही था कि एक ज़बरदस्त जज के निकलना एक थ्री पीस सूट पहनने का तो क्या बड़े ज़बरदस्त वो निकलता था और देखता था क्या वहाँ पे क्या होते थे सलन सर्कल्स अमाउंट्स ऑफ रेड चिलीज़ मतलब ढेर पड़े हुए थे रेड चिलीज़ का फ्रेशली पाउडर्ड येलो टर्मरिक वहाँ पे था और देख भी देख भी रहा था मामाची को कि वो सुपरवाइज़ कर रही है मतलब किन चीज़ों को जब उसको ये खरीदने होते थे या वेट कर रही थी इन सारे चीज़ों का साल्ट डाल रही थी या सुखा रही थी इन सारे चीज़ों को Uh, इनको किन को इन लेमन्स uh, को या टेंडर मैंगोज थे ये सारा देख के भी वो क्या नहीं करता था उसको कोई भी मदद नहीं करता सिर्फ देखता रहता था उनको एवरी नाइट ही बीट हर विद ब्रास फ्लावर वास लेकिन ये बंदा क्या करता था हर रात के टाइम पे हर नाइट पे वो अपनी वाइफ मामा जी को क्या करता था मारता था और किस चीज़ से मारता था एक ब्रास फ्लावर वास था एक गमला होता है ना ब्रास का एक मेटल है उसी का एक फ्लावर का एक गमला था और उसी से उसको मारता था द बीटिंग इज़ वर्ड नॉट न्यू अगर ये मारना कोई न, मतलब नई बात नहीं थी उसके लिए ये हर रोज उसको मारता था वट वॉज़ न्यू फिर नया क्या था वॉज द फ्रीकुंसी सिर्फ फ्रिकुंसी थी विद विच दे टू प्लेस सिर्फ फ्रिकुंसी थी, थी फ्रीकुंसी मानी अगर कभी कम मारता था फिर कभी ज़्यादा मारता था ये मतलब उसी में एक नया चीज़ था मतलब कभी ज़्यादा कभी कम बल्कि नया कुछ भी नहीं था बाकी मामा violin. बो माने जो एक सिटिक होती है ना वायलिन को जिससे उसको बजाया जाता है और उसी को उसने तोड़ा और कहा फेंक दिया फिर इसको दरिया में डाला फिर उसको इतना ज्यादा वो जिदी था Then Chaku came home from a summer vacation from Oxford University. He had grown to be a big man and was in those days strong from the Belial. What uh, to tell

वजह से स्पोर्ट्स की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन बन गया था अ वीक आफ्टर एक हफ्ते के बाद ही अरराइव्ड एंड फाउंड ही फाउंड पापाची बीटिंग मामाची इन द स्टडी और फिर एक हफ्ते के बाद उसने क्या पाया जैसे वो आया था उसने देखा कि जो पापाची है वो अपनी वाइफ मामाची को मार रहा था कहाँ पे इन द स्टडी इन द स्टडी माने इन द स्टडी रूम और वो स्टडी रूम में क्या करता था uh, मामाची को मारता था फिर चाकू स्ट्रोड स्ट्रोड माने वॉक विद लॉन्ग स्टेप बड़े बड़े कदम निकाल के चलना क्या वो चल रहा था इन टू द रूम काट पापा चीज वॉस हैंड और उसने पापा ची का वो जिस हाथ में वो गमला था उस हाथ को पकड़ा एंड ट्विस्ट ट्विस्ट माने उसको मरोड़ना पीछे लेके जाना उसको पीछे से धकेला एंड इट अराउंड हिज बैक और पीछे से उसको मरोड़ा अपने बाप के इस हाथ को फिर क्या हुआ इट आई नेवर वॉन्ट टू हैपन अगेन नहीं चाहता हूं कि कभी दोबारा जिंदगी में ऐसा हो जाए कि. क्या कि आप दोबारा कभी भी मामाची को मारोगे मैं नहीं चाहता हूं जिंदगी में कभी ऐसा हो ही चोल फादर उसने अपने बाप को यह बात एवर और लास्ट में क्या कहा कभी भी नहीं

उसको ब्यूटिफाई किया था उसी गार्डन पर क्या हुआ था उसी को देख रहा था आउट ऑट इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ द फूड दैट कुछ मारिया हिम और इग्नोर भी कर रहा था मतलब नहीं मान रहा था खाने का क्या जो उसको खाना लाया जाता था वो नहीं मानता था उनको उसको इग्नोर करता था जो किसने लाया था एक कुच मारिया कोचा मारिया कौन होती है ये उनकी मेड होती है एक सर्वेंट होती है याद रखना बेटा यहाँ पे ये मेड होती है उनकी एक सर्वेंट होती है और इस सर्वेंट ने उसके लिए क्या लाया था खाना लाया था मगर उसने क्या किया था पूरी तरह से इसको डिने किया इग्नोर किया लेट एट नाइट लेकिन जब रात का टाइम हुआ रात का टाइम था ही वेंट into his study, वो अपनी स्टडी रूम में चले गए एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट महागानी रॉकिंग चेयर और फिर क्या निकाला वहां से अपने स्टडी रूम से एक mahogany ए टाइप ऑफ wood है ए टाइप ऑफ वुड याद रखिए बेटा मैं यहाँ से इन वर्ड्स uh, का माने भी साथ साथ लिख रहा हूँ जो जो uh, words difficult डिफिकल्ट ए टाइप ऑफ wood, और क्या बता रहे हैं कि जो एक किस्म का mahogany एक टाइप ऑफ wood है और उसी कि एक रॉकिंग चेयर बनी हुई थी उसी को निकाला ही पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द ड्राइव वे और जहां पे ये गाड़िया वाड़िया रखते हैं जो एक मैदान होता है वहां पे उसको मिडल ऑफ द ड्राइव वे में रखा एंड स्मैश फिर इसको तोड़ा इन टू द लिटिल बिट्स किसे छोटे छोटे पीसेज को किया है किससे विद द प्लम्बर्स मुंकी रेंच प्लम्बर का जो एक रंग मुंगकी uh, होता है ना उसी रेंच से छोटे छोटे पीसेस किए हैं लेफ्ट इट दियर इन द मून लाइट फिर इस महंगनी चेयर को वहाँ पे छोड़ा ए हीप ऑफ वार्निश विकर और वहाँ पे क्या हुआ था एक हीप माने डेर एक डेर बना हुआ था इन छोटे छोटे ट्विग्स का जिससे ये मानी स्मॉल फर्नीचर जब जिसे हम फर्नीचर बनाते हैं ना छोटे छोटे पीसिस को मिला के यानी कि वहाँ पे इन ही का एक डेयर डेर बन गया था एंड स्पलेंटर वुड और पूरी तरह से अब ये क्या हुआ था बिखरा हुआ था वहाँ पे ही नेवर टच मामाची अगेन फिर उसके बाद उसने जिंदगी में कभी भी मामाची को हाथ नहीं लगा इसका मतलब जिंदगी में उसने कभी भी फिर मामाची को नहीं मारा बट ही नेवर स्पोक एज लॉन्ग एज ही लिव और उसके बाद उसने जिंदगी में कभी भी मामाची के साथ बात नहीं की जब तक वो जिंदा रहे तो यहां पे हमें पता चलता है कि मेल डोमिनेंस ये कितना मतलब एक हाई प्राइड कैरेक्टर है यहाँ पे पापा ची कह रहे कि कभी भी जिंदगी में फिर अपनी वाइफ के साथ बात नहीं की फिर क्या हुआ वेन ही नीडिड एनी थिंग यूज कोचमारिया और बेबी कोचम्मा एज कि जब भी उसको किसी चीज की फिर जरूरत होती थी किसको पापा ची को फिर वो क्या करता था फिर वो Kochumaria को या अपनी बहन this baby Kochamma is the sister of grandfather ये grandfather की बहन होती है कह रहे कि या वो फिर किसको लाता था इंटरमीडिएटर किसको वो लाता था बीच में किसको वो लाता था या कोचुमारिया को या अपनी बहन बेबी कोच माँ को उन्हीं को वो लाता था बीच में किस लिए कि वो उनसे बोलता था मुझे ये चाहे फिर वो उनको बीच में बोलाती थी फिर मामाची लाती थी तो इसीलिए मगर खुद डायरेक्टली मामाची के साथ उसने जिंदगी में फिर कभी बात नहीं की उसके बाद बेटा In the evenings, when he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that weren't missing onto his shirts. To create the impression that Mamachi neglected him to some small degree, he did succeed in further uh, corroding I. Mean, um, व्यू ऑफ वर्किंग वाइव्स क्या है कि शाम का टाइम होता है इन द इवनिंग्स शाम के टाइम पे क्या होता था जब उसको पता होता था वैन ही न्यू कि विजिटर्स वेयर एक्सपेक्टेड जब उसको पता कि कोई उनके मेहमान उनके घर आने वाले थे वो क्या करता था ही वुड सिट ऑन द वैरेंडा वो वैरेंडा पे बैठ जाता था एंड सी बटन दैट वर्ल्ड मिसिंग ऑन टू हिस्स और इन बटन की सिलाई करता था जो मिस ही नहीं थी मतलब उन बटन को सेव करता था जो मिसे, मतलब ऐसा वो बंदा था किस लिए ये करता था टू क्रिएट द इम्प्रेशन दामाचीट इसलिए कि जो ये मेहमान आने वाले हैं ना उन पर ये असर डालने वाला उनके दिमाग में ये फतूर डालने वाला कि आप देखो किस तरह मामाची उसको नेगलेक्ट करते हैं किस तरह मामाची उस पर गौर फिक्र नहीं करती है टू स्मॉल डिग्री कुछ हद हाँ तक ही डिड सक्सीड इन फर्दर I mean, view of कुछ हद हाँ तक वो कामयाब हुआ था किस चीज में जो ये I mean, of, uh, था, उनको डिस्ट्रॉय करने में मतलब उनके दिमाग में ये फतूर डालने में वो कामयाब हो गया था कि हाँ एग्जैक्टली exactly, जो ये वाइब्स होते हैं ना वर्किंग वाइव वो किस तरह अपने हस्बैंड को या अपने लोगों को किस तरह वो क्या करते हैं इग्नोर करते हैं वो उनका काम नहीं करते हैं वोटी डे स्टूडेंट्स चलिए आगे उसके बाद ही

एक मुनार जगह है ये मुनार क्या है ए हिल स्टेशन इन केरला केरला का एक हिल स्टेशन है वहाँ पे वहाँ से ही उसने एक गाड़ी को खरीदा था किससे एक इंग्लिश मैन था क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू डियर स्टूडेंट्स ये इंडिया की आज़ादी पहले की कहानी है hmm? कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे क्योंकि इट टेक्स अस बैक एंड फोर्थ ये हमें पहले पुराने टाइम पे लेके जाते हैं उसके बाद आगे लेके जाती है क्या बता रहे हैं कि उसी से उसने ये, एक गाड़ी है। और ये जो पापा जी है ना ये एक फैमिलर साइट बने सारे उसको देख रहे थे आयामिनम में क्योंकि इतनी गाड़ी खरीदना और सब लोग उसको देख रहे थे कोस्टिंग इम्पोर्टेंटली डाउन द नैरो रोड इन हिज वाइट कार और उस अपनी इस गाड़ी में वो उस मतलब नैरो रोड उस तंग रास्ते से चल रहा था लुकिंग आउटवर्डली एलिगेंट और बड़े ही शानदार दिख रहा था बाहर से बट स्वेटिंग फ्रीली इन साइड हज वुलन सूट मगर अंदर से उसको जो ये वुलन सूट पहना था उसमें अंदर से पसीना ही पसीना आया था इसका मतलब ये है कि अंदर से वो जल रहा था मगर बाहर से दिख रहा था कि मैं बड़ा शानदार हूँ क्यों दिखाना था क्योंकि हमेशा वो थ्री पीस सूट दिखाता था और केरला एक हॉट हॉट स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्या है कि इस गर्मी के टाइम पर भी वो ये थ्री पीस सूट पहनता था लेकिन बाहर से वो बड़ा ही शानदार दिखता था मगर अंदर से उसको उस इनिशियल लकपत हो गया था ही वुडंट एलो मामाची और एनीवन एल्स इन द फैमिली टू यूज इट और घर में वो किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देते थे इस प्लायमाउथ कार को इसका मतलब है किसी को भी इसमें बैठने नहीं देता था ही वुडंट एलो मामाची ना वो एलो मामाची को करता ना एनीवन एल्स इन द फैमिली टू यूज इट ना किसी को भी फैमिली में ये इस्तेमाल करने देता था और इवन इनटू सिट इन इट ना किसी को बैठने देता था इसमें प्लाई माउथ वॉस पापाचीज रिट और जो ये प्लाई माउथ था ना ये पापाची का क्या था एक किस्म का रिविज था था ये पापाची का बदला लेने का एक जरिया था कौन ये गाड़ी जरिया लेना था जरिया था किसका पापाची का किन से अपनी फैमिली से क्यों किससे बात नहीं करता था इसीलिए क्या हुआ था ये उनको क्या करता था ये एक जरिया बना ये गाड़ी उनसे बदला लेने का वॉट स्टूडेंट्स आई होप यू गॉट इट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग Uh, क्योंकि हमारे इस वाले लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा इन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा फिनिश करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे एंड टिल देन खुदा हाफिज